नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। विथरी चैनपुर के उड़ला जागीर के लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार कमरुद्दीन के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। महिलाओं की समस्या की मांग उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रिहानवी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि कमरुद्दीन अंत्योदय कार्ड धारकों को सही तरीके से सामान नहीं देता है। दुकान के काफ़ी चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को बड़ी मुश्किल से सामान मिल पाता है। 2 रुपये किलो गेहूं की जगह 3 रुपये किलो गेहूं लोग खरीदते हैं। वहीं 35 किलो की जगह सिर्फ 30 किलो सामान ही लोगों को मिल पाता है। 35 किलो सामान के हिसाब से लोगों से 70 रुपये लिए जाने चाहिए, जबकि लोगों से सामान के बदले 105 रुपये कमरुद्दीन जैसे भ्रष्टाचारी ले रहे हैं। यानी कि कोटेदार कमरुद्दीन हर एक व्यक्ति से 35 रुपये ज़्यादा वसूल रहा है। प्रशासन को ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ सलमान वारसी की रिपोर्ट। मामला ये है कि कमरुद्दीन कोटेदार ये गरीबों का हक मार रहा है, जबरदस्ती अंगूठे लगवा लेता है। पब्लिक से कहता है कि कल गल्ला लेके आना, जब लोग जाते हैं लेने के लिए तो गाड़ी पकड़ी देके मारपीट करके भगा देता है। और ये बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ करा मिले वो करा ले लेना, मैं यहाँ से ऊपर तक पैसे देता हूँ और क्या नाम, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ मिलेगा। भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, इसमें एक इंसान के दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसका 4 महीने से गल्ला नहीं जुड़ा हुआ, वो रो रहे थे। तो मेरे पास शिकायत करी है तो मैंने जन्नत से कह लिए आवाज़ उठाई। ये उड़ला जागी थाना बिथरी चैनपुर जी। अच्छा, ये लगभग लगभग कितने लोगों का कोटे का वो राशन? कम से कम 200 आदमियों